टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को कैसे आपको एक्टिवेट करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो टेलीग्राम ओपन करने के बाद हमें कंपनी पे जाना है एंड कंपनी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करना है। F11 भी आप प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। इन्वेंट्री में देखिए मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इंटरगेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इन दोनों ऑप्शन को यस करके इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। इस टैब से हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब हम यहाँ पे वाउचर को क्रिएट करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर होता है, सारे वाउचर क्रिएट नहीं होते हैं, सारे वाउचर एक्टिवेट नहीं होते हैं टेलीग्राम में। हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे वाउचर को एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए गेटवे ऑफ टेली से हम चलते हैं एल्टर में एंड इसके बाद हमें जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा सारा वाउचर। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। कैसे आपको क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो क्रिएट ऑप्शन शो हो रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से आप अपने वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे एंटर प्रेस कीजिए और जो इसका नेम है आप मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं। उसके बाद देखिए सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, आपको यहाँ पे स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको आपको यस करके सेव कर लेना है। एंड उसके बाद जो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अदरवाइज आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास नहीं कर पाएंगे, तो इस ऑप्शन को आप ध्यान से यस कर दीजिएगा एंड इसको आप सेव कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हमने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट कर लिया है एंड एक्टिवेट भी कर लिया है। अब चलिए नोटबुक से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स के स्टॉक आइटम के लेजर हैं उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं शो करती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे एंड अपने सारे स्टॉक आइटम के लेजर को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ, वाइट पेपर। नोटबुक को बनाने के लिए वाइट पेपर यूज़ होता है, तो वाइट पेपर हम करेंगे। अंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से एल्ट सी प्रेस करेंगे हम एंड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे रॉ मटेरियल का लेजर। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आप टाइप कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको रखना है प्राइमरी, प्रेस कर लीजिए। हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लिया है रॉ मटेरियल का। यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो वाइट पेपर है आप परचेस करेंगे, ग्राम में परचेस करेंगे, केजी में परचेस करेंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ग्राम में परचेस करेंगे तो हम यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। एलटीसी प्रेस करके आप यूनिट का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आपको क्रिएट करना है ये मैं आपको यहाँ से शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे एलटीसी प्रेस करना है आपको एंड सिंबल में ग्राम रख लीजिए। फॉर्मल नेम में इसका पूरा कंप्लीट नाम टाइप कर लीजिए एंड यूक्यूसी में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ग्राम। अब इसके बाद देखिए यूनिट सेलेक्ट करने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी, इसको आप यस प्रेस कर दीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ फिल करनी है, जैसे कि एचएसएन कोड क्या है इसका, जो भी इसका एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो एचएसएन कोड हम टाइप कर लेते हैं एंड उसके बाद देखिए टैक्सेबिलिटी में हमें यहाँ पे रखना है टैक्सेबल एंड इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी रेट है, तो 12% जीएसटी रेट है। इसको हम सेट करते हुए यहाँ पे इस लेजर को आपको कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अब सेकेंड हम लेजर क्रिएट करेंगे, आउटर कवर यूज़ होता है, तो आउटर कवर का हम यहाँ पे रॉ मटेरियल का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अंडर आपको क्रिएट करना है रॉ मटेरियल के, आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है ध्यान से रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे जो आउटर कवर आप परचेस करेंगे वो आप केजी में करेंगे, ग्राम में करेंगे, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ग्राम में परचेस करेंगे इसलिए मैं ग्राम सेलेक्ट कर ले रही हूँ। जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल होगा,
सेट एल्टर जीएसटी को यस कर देंगे एंड इसका जो एचएसएन कोड है वो हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो मैं एचएसएन कोड इसका टाइप कर लेती हूँ। टैक्सेबल में हमें यहाँ पे रखना है टैक्सेबिलिटी एंड इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो हमें अप्लाई कर लेना है। टैक्स रेट है 12%। अगेन आपको कंट्रोल ए करके इस लेजर को सेव कर लेना है। थर्ड आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्टिचिंग वायर, क्योंकि जो नोटबुक होता है उसको प्रिपेयर करने में स्टिचिंग वायर भी यूज़ होता है। तो स्टिचिंग वायर आप नाम रख लीजिए स्टॉक आइटम का, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थ्रेड भी अगर रखना चाहते हैं तो थ्रेड भी आप कर सकते हैं। अंडर आपको करना है रॉ मटेरियल के एंड इसके बाद यहाँ पे आप पीसेस में परचेस करेंगे, केजी में परचेस करेंगे, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पीसेस से परचेस करेंगे तो यहाँ पे हम पीसेस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जीएसटी एप्लीकेबल, तो इस पर एप्लीकेबल आपको रखना है। सेट एल्टर जीएसटी में यस प्रेस कर दीजिए एंड इसका जो एचएसएन कोड है वो आपको टाइप कर लेना है। तो एचएसएन कोड में यहाँ पे टाइप कर ले रही हूँ 520411 एंड टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी कर लीजिए एंड इसके ऊपर 5% टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए कंट्रोल ए से आपको इस स्टॉक आइटम को सेव कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ग्लू का लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ग्लू भी यूज़ होता है नोटबुक को प्रिपेयर करने में। तो ग्लू हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है, रॉ मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है एंड ग्लू आप ग्राम में परचेस करते हैं, केजी में परचेस करते हैं, वो आप यहाँ से यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए एंड ग्लू का जो एचएसएन कोड है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल आ जाएगा एंड इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो टैक्स रेट यहाँ पे हम 18% कर लेंगे एंड इस लेजर को आपको एट ए करके सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जो नोटबुक में यूज़ होने वाले सारे रॉ मटेरियल्स के लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो के आएगा उसका भी हमें लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अब हम क्रिएट कर लेते हैं फाइनल नोटबुक का लेजर। तो यहाँ पे नोटबुक आप टाइप कर दीजिए, नोटबुक करना है आप। यहाँ पे आपको अंडर में एलटीसी प्रेस करके हम यहाँ पे नोटबुक जो है नोटबुक का ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि नोटबुक जो है उसकी कैटेगरी काफ़ी अलग अलग होती है। तो नोटबुक नाम से मैंने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है एंड इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अंडर हमें रखना है यहाँ पे हम पीसेस में सेल करेंगे, तो हम यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लेते हैं। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी यस कर लीजिए एंड इसका जो एचएसएन कोड है वो आपको टाइप कर लेना है। तो इसका एचएसएन कोड टाइप करने के बाद आपको टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल टाइप कर लीजिए एंड इसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होता है वो 12% होता है। तो 12% अप्लाई करते हुए कंट्रोल ए करते हुए इस लेजर को आप सेव कर दीजिए। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद जो नोटबुक में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स के लेजर को आपको कैसे क्रिएट करना है हमने इस वीडियो में देखा।